गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन। आज मैं सबसे पहले क्लास 10 CBSE के और क्लास 9 CBSE के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण में समास, कंपाउंड के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। साथ ही साथ आपके स्वस्थता के लिए, आप स्वस्थ रहें इसके लिए ईश्वर से कामना करूंगा। अब आते हैं विषय वस्तु पर। समास, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया, नवीन, सार्थक शब्द होता है, समास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना हुआ नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरणार्थ मान लीजिए गंगा जल, अर्थात जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा का जल। अब इसमें का जो है विभक्ति है, गंगा का जल, आप फिर विग्रह को हटा देंगे तो गंगा जल हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, उसमें का विभक्ति आ जाएगी। तो गंगा का जल, इसमें दो पद हैं, पूर्व पद गंगा है और जल जो है उत्तर पद है, का विभक्ति है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, सेम वैसे ही। तो राज जो है पूर्व पद हो जाएगा और पुत्र क्या हो जाएगा, उत्तर पद। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कड़ी आती है, सामासिक शब्द क्या होता है, विशेष ध्यान दें आप। सामास के नियमों से निर्मित, सामास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। आप उलझन में न रहें, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चे अपने को कन्फर्म कर नहीं पाते, वो समझ जाते हैं कि सामासिक शब्द और समस्त पद दोनों दो चीजें होती हैं। नहीं, सामासिक शब्द कहिए या समस्त पद कहिए, दोनों एक ही चीज है। समस्त पद में अभी पीछे मैंने बताया कि दो पद होते हैं, ये जब दोनों पद मिलते हैं तो समस्त पद बन जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ कंपाउंड, समास के भेद। यूं तो मुख्यतः समास जो है चार प्रकार का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में और हमारे शिक्षकगण भी समास का भेद जो है छह भी बताया गया है। सच मानिए तो समास के मुख्यतया चार ही भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, और सॉरी अव्ययी भाव समास, द्वंद समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीही समास। अब उसमें जो एक तत्पुरुष होता है उसके दो भेद होते हैं, कौन सा, कर्मधारय और द्विगु। इन दोनों को लोग जोड़ देते हैं और चार और दो करके छह स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन सच पूछिए तो सामास के मुख्यतया चार भेद होते हैं, और तत्पुरुष के जो दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु,
ये दोनों जुड़कर छह हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अव्ययी भाव समास के बारे में बताऊंगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद, अभी मैंने बताया कि इसमें दो पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है तथा दूसरा अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय जो व्यय न हो, अर्थात जो खर्च न हो। कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो सेम साहित्य में अपने सही स्वरूप में उसी रूप में आते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन, यथाक्रम, हर रोज, प्रत्येक दिन, प्रत्येक आदि, ये आपका अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरे पर चर्चा करेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें एक और चीज है, यह कारक के अनुसार यह समास बनता है और विभक्तियों के अनुसार इसके छह भेद होते हैं। आप कारक पढ़े हैं तो कर्ता उसमें नहीं होता, इसमें छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तत्पुरुष के दो पार्ट्स होते हैं जिनको मैं समास के छह भेद में नहीं मानता, क्योंकि समास के चार भेद हैं और तत्पुरुष के भेद का भेद है, इसलिए हम इसे उपभेद के रूप में स्पष्ट करेंगे। अब तत्पुरुष के दो भेद, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद में विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय का संबंध बना होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसमें समस्त पद और समास विग्रह, मान लीजिए चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, जब विग्रह करेंगे तो कमल नयन, कमल के समान नयन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कनक लता, दही बड़ा, नीलकमल, पीतांबर, ये सब ये आपके तत्पुरुष के, ये सॉरी कर्मधारय के हैं। अब जो द्विगु होता है, इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उसमें संख्या अनिवार्य है, संख्यावाचक होता है। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवग्रह, दोपहर, चौरास्ता, चौमासा, नवरात्र, शताब्दी, अठन्नी, ये सब, इस सब में क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है, तो यह आपका द्विगु हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। अब आइए द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे इसके एक 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 चीज और है, इन दोनों पदों के बीच में
एक जोजक लगता है। जैसे माता पिता दिन रात, अमीर गरीब, भाई बहन, पति पत्नी, राम कृष्ण, सीताराम, ये जो है यह आपका द्वंद्व समास है। ऊंच नीच, भेदभाव, टेढ़ा मेढ़ा, समान शब्द भी इसके अंतर आते हैं। सैने सैने, धीरे धीरे, ये सब चीजें क्या है? ये द्वंद्व समास है। और सबसे लास्ट में मैं आपको अंतिम समास बहुव्रीहि की चर्चा करूंगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद अर्थ के अतिरिक्त कोई संकेत करता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा यह अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता है, विशेष व्यक्ति व्यक्ति विशेष के लिए आता है। जैसे दशानन, दशानन, दस आनन, तो दस आनन सिर्फ रावण के लिए आया। नीलकंठ, नीला है कंठ, ये किसका नीला कंठ है? शिव। यह विशेष अर्थ व्यक्त कर रहा है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। पीतांबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, पीत का तात्पर्य पीला से है और अंबर के तो दो अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर वस्त्र होगा, कपड़ा होगा। अंबर का तात्पर्य आकाश से भी होता है, लेकिन यहां पर पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्रीकृष्ण। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। दुरात्मा, बुरी है आत्मा जिसकी, ये सब क्या है? बहुव्रीहि है। श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिनके, अर्थात सरस्वती। इस तरह से हम समास के बारे में प्रयास कर सकते हैं और यह क्लास 9 और 10 दोनों के लिए अनिवार्य है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए और कुछ बताए हुए तथ्यों के आधार पर कुछ शब्दों का चयन कीजिए और पहचान कीजिए कि उसमें कौन से समास है। धन्यवाद।